एक बच्चा जब गांव से शहर आता है पढ़ने, तो अपने कंधे पे अपने माता पिता और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर आता है, तो उस वक्त हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि इसको अपना बेस्ट से बेस्ट दें और उसको वहां पहुंचाए जहां पहुंचने ये इस शहर आया था, जो उम्मीद लेकर हमारे पास आया था। लेकिन बुरा तब लगता है जब हम ऐसा नहीं कर पाते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खैर मैं ये बात कैमरा पर नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बातचीत करना चाहिए, मैं बाध्य हूं बोलने के लिए, क्योंकि बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहली आवाज यहां से मैं ही उठाता हूं, है ना। अभी हुआ क्या कि हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया और वहां पे बाहरी बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, बाहरी बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब आया। तो मैंने एक एक बच्चों से रुककर पूछा कि आखिर क्या रीजन है कि आपने इतना रिजल्ट खराब किया। तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी जनवरी आने को है, फरवरी में 12th शुरू हो जाता है, जेईई शुरू हो जाता है, नीट शुरू हो जाता है, एक महीने में पूरा एक बुक कैसे खत्म होगा, पूरा का पूरा एक बुक बाकी होगा। तो उन्होंने कहा कि सर टीचर बोलता है अरे हो जाएगा ना, टेंशन क्यों लेता है, 12th में पढ़ना है, 11th में कौन पढ़ता है। जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को कितना मिसगाइड किया जा रहा है। एक बच्चे को ना सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस उम्र में एक टीचर के सही गाइडेंस की। और वो बच्चे के बारे में सोचिए जरा जो 11th में है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 12th में जाएगा, किस कॉन्फिडेंस को लेकर जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर वो उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा, तो जेईई नीट इंडिया जैसे एग्जाम्स में कैसे बैठेगा। उसको ना कोटा, दिल्ली, रांची, पटना जैसे बच्चों से कंपीट करना है। ऐसे बच्चे को जब आप हम मिसगाइड करते हैं तो उसका जिंदगी बर्बाद होता है। और मेरी बात याद रखिएगा कि जब एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है ना, तो दो जनरेशंस बर्बाद होती हैं। एक जो उसके साथ अभी जो उस पे भी डिपेंडेंट है, उसके माता पिता, उसका परिवार, दूसरा जो उसके साथ शुरू होने वाला है। तो एक टीचर जब एक बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो ना सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी बनाते हैं बल्कि दो जनरेशंस की जिंदगी संवार रहे होते हैं। तो इसमें हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, है ना। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है सारे टीचर से कि अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज उसको करके दीजिए। आपको सिर्फ 11th 12th ही तो पढ़ाना है, उसमें भी आप जो है बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, प्लीज मेरी सबसे दरख्वास्त है। ये जो छोटे गांव और शहर के जो बच्चे होते हैं ना, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाएगी ना, ये देश कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो इन छोटे शहर और गांव के बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षित करना होगा। मेरे टीचर कहा करते थे कि अगर किसी घर की स्थिति बदलनी हो, या किसी समाज की बदलनी, या किसी देश की बदलनी हो, सिर्फ एक काम कर दीजिए, उनको शिक्षित कर दीजिए, उनको शिक्षा दे दीजिए, हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैंने आज तक किसी एक व्यक्ति को नहीं देखा जो शिक्षित है और ताकतवर है, उसका शोषण हो रहा हो। इस समाज में उसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है जो शिक्षित नहीं है, जो ताकतवर नहीं है। और शिक्षा एकमात्र तरीका है जो आपको ताकतवर बना सकता है।